ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम विष्णुबरा मंदिर के बाद अब हमने जो अगला धर्मस्थल यात्रा शुरू की है वो है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर के बारे में आपको जानकारी बता दूं, हम खड़े हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के प्रारंभिक स्थल के जो गेट है वहाँ पर खड़े हुए हैं। ये जो मंदिर है ये लम्हेटा घाट से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ से भेड़ा घाट की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूर है। तो आइए हम चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो 18वीं शताब्दी का मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। धीरे धीरे मंदिर की जो गुंबज हैं वो क्षीण होते जा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा रखरखाव कम है, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की एक अनुपम प्रतिमा विद्यमान है जिसके दर्शन मात्र से ही जीव को एक अनोखी अनुभूति होती है। हम पैदल चलते हुए उस मंदिर तक चलेंगे और आपको दर्शन कराएंगे। देखिए यहाँ से मंदिर जहाँ से हमने चलना शुरू किया था यहाँ पर कुछ मंदिर के अवशेष ही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर कितना प्राचीन है। जब हम मंदिर के लिए यहाँ से जा रहे हैं तो रास्ते में भी हमको कुछ प्रतिमाएँ मिल रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये देवी प्रतिमा है विद्यमान है और कुछ कलाकृतियाँ आसपास बिखरी हुई हैं। तो ये उसी मंदिर के अवशेष हैं जिस मंदिर के दर्शन आज हम आपको करा रहे हैं। तो अब हम सीधे चलते हैं, यहाँ से कुछ ही कदमों की दूरी पर भगवान लक्ष्मी नारायण का एक अनुपम मंदिर है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल टी टेम्पल में और आज हम एक और धर्मस्थली पर आए हैं और आपको हम लेके चल रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये जो मंदिर है ये लम्हेटा से लगे हुए गोपालपुर में है और वहाँ पर भगवान विष्णु की लक्ष्मी नारायण के रूप में एक प्रतिमा विद्यमान है। आइए हम उसके दर्शन कराते हैं और आप भी उनके दर्शन करिए। हम आ पहुँचे हैं मंदिर परिसर में और मंदिर परिसर में सामने ही भगवान विष्णु की प्रतिमा विद्यमान है और हम चलते हैं और दर्शन करेंगे भगवान विष्णु की। ये भगवान विष्णु का गर्भगृह है और गर्भगृह में भगवान विष्णु की अत्यंत खूबसूरत प्रतिमा जो है वो विद्यमान है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि ये जो मंदिर है लगभग 18वीं सदी में बनाया हुआ है और तब से ही यहाँ पर लक्ष्मी नारायण जो है मंदिर में स्थापना हुई है। तो आइए हम आप जानकारी लेते हैं, हमारे साथ एक सज्जन जुड़े हुए हैं जो इस मंदिर परिसर को जानते हैं। क्या जानते हैं आप इस मंदिर के बारे में? नर्मदेहर भी है। नर्मदेहर मैं, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, देखें सामने, ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है, ये हमारी नर्मदा माई हैं। इधर पर हम जब से जन्म लिए हैं जब से हम नर्मदा माई के दर्शन करते हैं, इधर जो भी श्रद्धालु आता है वो अपनी मनोकामना पूरी करता है। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। ये कितना पुराना मंदिर है? ये कम से कम ये होगा ये 300-400 साल पुराना होगा। ये हमारे बाप दादों की पीढ़ियों से चला आ रहा है। मंदिर की खासियत क्या है? इस मंदिर की खासियत यह है कि आदमी आता है बाहर से घूमने आता है, जो भी अपनी मनोकामना पूरी रहती है वो अपनी मन्नत मांगता है और पूरी होती हैं। प्रतिमा के बारे में कुछ बताएंगे? ये प्रतिमा के बारे में भैया, ये कम से कम इसके मूर्ति के बारे में तो हमारे बाप दादा नहीं बता पाए तो हम क्या बता पाएंगे। यहाँ पर कौन कौन से देवी देवता स्थापित हैं मंदिर? इधर पर भोले शंकर हैं, नंदी महाराज, हनुमान जी हैं और भी शंकर जी हैं और माता जी हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान हैं और भी बड़े बड़े भगवान भी हैं, लेकिन इनके बारे में भगवान की लीला आदमी पहचानने के लिए आदमी नहीं पहचान पाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। इस मंदिर की जो विशेषता है, इसका जो गुंबज है वो मुगल सभ्यता से ही मिलता जुलता है, मतलब जो
मंदिर का आकार है या आर्किटेक्चर है वो मुग़ल आर्किटेक्चर से लगभग मिलता जुला है और उससे पहले का भी आर्किटेक्चर है। आप यहाँ पर सामने देख रहे हैं इस मंदिर के जो केंद्र में लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है और मंदिर के चारों ओर शिवलिंग की स्थापना है। जैसा कहा जाता है कि जहाँ पर शिव नहीं वहाँ पे शिव के आराध्य राम नहीं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लाइन से आप कैमरा के पीछे पीछे मैं भी चल रहा हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शिवलिंग है। तो ये लाइन से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 लाइन से शिवलिंग है पूरा। तो यहाँ पर जो विशेष है इस मंदिर तो काफ़ी छोटा है लेकिन आध्यात्मिक की दृष्टि से काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा शायद ही किसी मंदिर में हो जहाँ पर प्रभु लक्ष्मी नारायण केंद्र में विराजित हैं और चारों ओर शिव भोले के शिवलिंग हैं। प्रदक्षिणा कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण मंदिर के और प्रदक्षिणा के साथ साथ आपको ये भी दिखा रहे हैं कि मंदिर के चारों ओर शिव शंकर के शिवलिंग रूप में भगवान शंकर विराजमान हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैं यहाँ तक आया हूँ और यहाँ से लाइन से आप देख सकते हैं शंभु भोले शंकर के प्रतिमा यहाँ पर विद्यमान है शिवलिंग के रूप में। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है और लक्ष्मी नारायण मंदिर जबलपुर में ही स्थित है, लम्हेटा से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर गोपालपुर जगह है और गोपालपुर से थोड़ी दूरी पर भेड़ा घाट भी है। तो नर्मदा तट पर ये अति पावन मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे चार मंदिर हैं। तो ये जो पहले दाहिनी ओर में आप देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, मंदिर में से दूसरा छोटा मंदिर है ये, यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। तो मंदिर के चारों कोनों में छोटे छोटे मंदिर स्थापित हैं, उनमें से ये दूसरा मंदिर, दाहिनी ओर दो मंदिर हैं। मंदिर काफ़ी प्राचीन है। यहाँ से हम देखें तो यहाँ से जो झरोखा है, ये जो तीसरा मंदिर है मंदिर के पीछे की तरफ, तो यहाँ से हम देख सकते हैं माँ रेवा के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ शिव शंकर जी के भी दर्शन हो रहे हैं और माँ रेवा के भी दर्शन हो रहे हैं जो शिव श्रोता कही जाती हैं। आइए आगे चलते हैं और चौथा मंदिर जो है इस बड़े मंदिर के चारों ओर अंतिम मंदिर जहाँ पर हमारी पूरी प्रदक्षिणा, ये है हमारा चौथा मंदिर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धाती स्वाहा स्वदा। नमस्कार दोस्तों, हम एक विशेष व्यक्ति यहाँ पर हैं हमारे साथ लक्ष्मी नारायण परिसर में, जो काफ़ी पुस्तों से यहाँ पर रह रहे हैं और जिनको मंदिर की समस्त जानकारी है। तो हम उनसे आपको मुलाकात कराते हैं व्यक्ति विशेष से। पंडित जी, क्या नाम है आपका? श्री राम मनोहर दास। राम मनोहर दास। तो आप इस मंदिर के बारे में हमें कुछ बताएं, इसकी विशेषता क्या है? इसकी व्यवस्थाएं ये है कि क्या कहते हैं, जहाँ परमात्मा का विराजमान होते हैं, यहाँ इतने बड़े नर्मदा के किनारे दो तट पर एक ही जगह लक्ष्मी नारायण का मंदिर पा रहा है, पर और कहीं नहीं पा रही है। ये कितना पुराना मंदिर है? ये तो हमारे आज पुराजे भी नहीं बता पा रही है। अच्छा, जैसा हमने यहाँ पर बोर्ड में पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी का है ये मंदिर। ये तो यानी मुसलमान लोग आए हैं, जब से सन मालूम हो रहा है, उसके पहले कोई सन नहीं बोलता था, शताब्दी ही कहा जाता था। हाँ, उसके पहले कोई जानता ही नहीं था। जैसे आपने काली जी का जिक्र किया यहाँ पे, तो मंदिर के जो चारों तरफ जो छोटे छोटे मंदिर हैं वो किस किस देवी देवताओं के मंदिर हैं? वो सामने जो मंदिर शंकर भगवान का है, गायत्री जी का है, यहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, शंकर भगवान के अनेकों प्रकार के यहाँ नाम हैं। आज हम आए थे लक्ष्मी नारायण मंदिर जो गोपालपुर में स्थित है और इस मंदिर की भव्यता यही है कि यहाँ पर भगवान नारायण विष्णु रूप में स्थापित हैं। यह 18वीं सदी का मंदिर है। इस मंदिर की प्रमुख विशेषता ये है कि इस मंदिर की जब आप प्रदक्षिणा करेंगे तो चारों ओर शिवलिंग स्थापित हैं और शिवलिंग जब स्थापित हैं इसका मतलब ये है कि जहाँ शिवजी हैं
वहाँ पर भगवान नारायण हैं। तो एक दूसरे के परिपूर्ण हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहा जाता है। जहाँ शिव है वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ शिव है। श्री राम भी यही कहते हैं कि शिव बिना के जैसा मुझे प्रिय दूसरा कोई नहीं है। तो इसी का एक उदाहरण है ये लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप आइए और दर्शन करिए। नमस्कार। ओ।